नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट ड्रीम 11 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले सेकेंड ओडीआई मैच का। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ दोनों टीमों का प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों जो कि पाकिस्तान टीम से है, तो वो भी मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, और जल्दी जल्दी दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि दोस्तों जितना भी दोस्तों क्रिकेट और कबड्डी का जो मैच आएगा दोस्तों मैं सभी का वीडियो अपलोड करूँगा, और दोस्तों को नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर देना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम दोनों टीमों का प्लेइंग किस तरह से होने वाला है। दोस्तों पहले बात कर ली जाए पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों ये मैच भी दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाने वाला है। यहाँ का पिच भी दोस्तों आपको पता होगा कि ये स्पिनर्स को काफ़ी एडवांटेज मिलता है, और यहाँ के दोस्तों बाउंड्री भी काफ़ी शॉर्ट है दोस्तों, इसी हिसाब से आपको टीम क्रिएट करना है ये पिच के हिसाब से। तो चलिए बात कर ली जाए, पहले देखते हैं कि पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 किस तरह से होने वाला है। यहाँ दोस्तों आपको फखर जमान दिख जाएंगे खेलते हुए, साथ में इमाम हलाक के साथ। बाबर आजम भी आपको काफ़ी अच्छा फॉर्म में है, बट पिछले मैच में इन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, इसलिए आपको ये भी फर्स्ट राउंड दोस्तों टीम में दिख जाएंगे। उनके बाद मोहम्मद हफीज भी पिछले मैच में चल पाए थे दोस्तों, सोहेब मलिक, सरफराज अहमद, इमाद वसीम, सादाब खान, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी। दोस्तों मुझे यहाँ लगा थोड़ा रिस्की होंगे वो होंगे दोस्तों जुनैद खान, ये हमारे लिए एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों जुनैद खान ने पिछले मैच में काफ़ी ज़्यादा रन दिए थे दोस्तों, और इन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया था। इसके कारण मुझे लगा दोस्तों इनको ड्रॉप करके हो सके तो पाकिस्तान की टीम उस्मान खान को खिलाना चाहेगी, क्योंकि दोस्तों उस्मान खान एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बॉलर है, उनके जगह जुनैद खान टीम में आए थे और वे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए जुनैद खान दोस्तों ड्रॉप करके उस्मान खान को हो सके टीम में वापस लाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों आपने जुनैद खान को ड्रॉप कर देना है स्मॉल लीग की टीम में। उनके बाद दोस्तों बात कर ले जाए न्यूजीलैंड टीम में, तो दोस्तों न्यूजीलैंड टीम जहाँ तक मुझे लग रहा है वहाँ तक मुझे अनचेंज रहने वाली टीम दोस्तों, ये अपने प्लेइंग 11 जो कि पिछले में सेम प्लेइंग 11 थी, जहाँ आपको कोई मंजूर दिख गए थे जॉर्ज वर्कर के साथ ओपनिंग करते हुए, किन विलियमसन आपको फर्स्ट राउंड दिख गए थे, रॉस्टर सेकंड राउंड जिन्होंने पिछले मैच में 80 रन के दोस्तों पारी खेले थे। उनके बाद आपको दिख जाएंगे टॉम लेथम, हंड्रे निकोलस, कॉलिन डिगनडोम, टीम साउदी, ईस्ट सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गसन। दोस्तों यही इनका प्लेइंग 11 रहने वाला है जो कि पिछले मैच में था, और मुझे लगता है दोस्तों इनके टीम में कोई चेंज का गुंजाइश भी है, तो ये अपने सेम टीम के साथ जाना चाहेगी। तो चलिए दोस्तों बात कर लीजिए आप ड्रीम 11 टीम की। दोस्तों मैं आपके स्मॉल लीग के लिए टीम दे रहा हूँ, और आप चाहो तो इसी टीम में आपको चेंजेस करके आप कुछ अच्छी टीम बना सकते हो। चलिए देख लेते हैं पहले विकेट कीपिंग सेशन में, तो यहाँ दोस्तों आपको दो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे जो होंगे टॉम लेथम और सरफराज अहमद का। तो दोस्तों आप दोनों में से किन्हीं को पिक कर सकते हैं दोस्तों, दोनों कन्फर्म खेलने वाले हैं दोस्तों, दोनों ही बेस्ट फॉर्म में है। बस दोस्तों बैटिंग स्किल्स की अगर बात करके देखा जाए दोस्तों टॉम लेथम आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अगर चाहो दोस्तों आप एशियाई कंडीशन को देख कर पिक करना चाहते हो तो आपके लिए सरफराज अहमद बेस्ट है दोस्तों, दोनों ही आपके लिए बेस्ट है दोस्तों, आप दोनों में से किसी के साथ आप जा सकते हो। तो मैं यहाँ टॉम लेथम के साथ जाना चाहता हूँ, अगर आप चाहो दोस्तों यहाँ से तो सरफराज अहमद के साथ जा सकते हो। तो आपके लिए यहाँ दोस्तों मैं बैटिंग सेशन में चार प्लेयर को पिक किया हूँ, केन विलियमसन, बाबर आजम, इमाम उल हक, कॉलिन मंद्रो। दोस्तों ये मैं चार प्लेयर साथ जा रहा हूँ। अगर मैं आपको ऑप्शन बता दूँ यहाँ से आपके लिए रोस्टर सेफ रहने वाले हैं, फखर जमान सेफ रहने वाले हैं, सोहेब मलिक सेफ रहने वाले हैं। दोस्तों इस टीम में दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्रेडिट का, तो दोस्तों आप किन्हीं को भी पिक कर सकते हो, आप दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके बाद हेनरी निकोलस, दोस्तों यहाँ से निकल्स भी कंफर्म खेलने वाले, तो आप इन्हें भी पिक कर सकते हो। तो आसिफ अली नहीं खेलने वाले, हारिस सोहेल नहीं खेलेंगे दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ से जॉर्ज वर्कर को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, जो कि कंफर्म इस मैच में खेलने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, मैं यहाँ रोस्टर को नहीं पिक कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे चार बॉलर पिक करने थे और दो ऑलराउंडर, इसलिए मैं यहाँ से रोस्टर को नहीं पिक कर रहा हूँ। तो मैं आगे आपको बता दूंगा किस तरह से रोस्टर को पिक करना है। तो चलिए पहले बात कर ले जाए ऑलराउंडर सेशन की, तो यहाँ से मैंने मोहम्मद हफीज़ को पिक किया, इमाद वसीम, दो दोस्तों पाकिस्तानी ऑलराउंडर है जो कि बहुत अच्छा प्लेयर दोस्तों, बट पिछले मैच में दोस्तों मोहम्मद हफीज़ अगर कुछ नहीं कर पाए थे दोस्तों, इनका देख लेंगे आप सिलेक्शन रेट बहुत गिर गया हो दोस्तों, पिछले मैच में 87 था, इस मैच में 65% हो गया, जो कि अभी भी अच्छा है। अगर आप चाहो यहाँ से दोस्तों कॉलिन डिगनडोम को पिक कर सकते हो, जिन्होंने पिछले मैच में 32 पॉइंट दिए थे दोस्तों, इनका सिलेक्शन रेट काफ़ी अच्छा हो चुका है, 70 हो चुका है, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। मैं इमाद वसीम के साथ जाना पसंद करूंगा, जो कि पिछले मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था दोस्तों, इस मैच में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों, एज ऑलराउंडर बहुत अच्छे ये पिक हमारे लिए हो सकते हैं। यहाँ दोस्तों आप चाहो तो कॉलिन डिगनडोम के साथ जा सकते हो, फहीम अशरफ पिछले मैच में नहीं खिलाया गया दोस्तों, इस मैच में मुझे लगता है कि नहीं खिलाए जाएंगे। उनके बाद यहाँ दोस्तों टॉड स्टेल आपके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि टॉड स्टेल इस मैच भी नहीं खेलने वाले दोस्तों, ये रूल आउट हो चुके हैं पूरे टूर्नामेंट से, जो कि 5 मैचों के सीरीज है दोस्तों, उस पूरे मैच से ये बाहर हो चुके हैं टॉड स्टेल, तो इसलिए आप दोस्तों इन्हें पिक नहीं करना है दोस्तों। अभी भी आप इन्हें मतलब सभी लोगों को पता चल चुका है इन्हें ये नहीं खेलने वाले, इसलिए दोस्तों बहुत कम लोगों ने इन्हें पिक कर रखा है, तो आपने भी इन्हें दोस्तों नहीं पिक करना है टॉड स्टेल को। वहीं बात कर ले दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ दोस्तों मैंने चार बॉलर के साथ जाना पसंद किया, जो कि दोस्तों टीम सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, शाहदाब खान, उनके बाद दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी होने वाले हैं।
अगर यहाँ से आपको सेफ ऑप्शन बता दिया जाए दोस्तों, तो यहाँ से हसन अली सेफ रहेंगे, जुनैद खान आपके लिए रिस्की रहेंगे दोस्तों, इस सोडी आपके लिए सेफ रहने वाले हैं, लॉकी फर्गसन सेफ है, तो ये दो आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन। उस्मान खान को आप दोस्तों गारंटी में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जुनैद खान पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए मुझे लगता है वहाँ उस्मान खान को ट्राई किया जा सकता है, तो इसलिए आप चाहो तो यहाँ से उस्मान खान को ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको रॉस्टर को किस तरह से पिक करना, रॉस्टर अगर आप पिक करना चाहते हो यहाँ से दोस्तों, आपको टीम सऊदी को ड्रॉप करके आपको उसके बाद सीधा रॉस्टर को पिक करना होगा। तो दोस्तों इससे मुझे यह प्रॉब्लम होने को हो गया दोस्तों कि सिर्फ यहाँ से न्यूजीलैंड की सिर्फ एक बॉलर को ही मैंने पिक कर पाया हूँ, और दोस्तों मैं तीन बॉलर को ड्रॉप कर लिया। अगर आप यहाँ से चाहो तो एक और चेंजेस कर सकते हो, जो कि यहाँ से मोहम्मद हफीज़ को ड्रॉप करके आप कॉलिन डी ग्रैंडहैम को पिक कर सकते हो, या फिर यहाँ से टीम सऊदी को इस तरह से पिक कर सकते हो दोस्तों। ये भी आपके लिए कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, बट मैं यहाँ से दोस्तों रॉस टेलर को पिक करके दोस्तों यहाँ से मैं नहीं पिक करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं टीम सऊदी को यहाँ से हफीज़ को पिक करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों रॉस टेलर ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसी के हिसाब दोस्तों इनका परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया होगा। बट इस मैच में दोस्तों मतलब डेली कोई प्लेयर दोस्तों अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ से रॉस टेलर को ड्रॉप कर रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन मैं दोस्तों केन विलियमसन को दे रहा हूँ, वाइस कैप्टन बाबर आजम को। अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हो। मैं अगर आपको सेफ ऑप्शन बता दूं तो यहाँ सबके लिए सेफ दोस्तों इमाद वसीम होने वाले हैं, बाबर आजम को आप ट्राई कर सकते हो, मैं बाबर आजम के साथ जा रहा हूँ दोस्तों। उनके बाद टॉम लेथम आपके लिए सेफ। अगर आप दोस्तों सबसे सेफ जाना चाहते हो तो अपने यहाँ से शादाब खान और ट्रेंट बोल्ट, दोनों ट्रेंट बोल्ट और शादाब खान दोनों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इन दोनों को ट्राई कर सकते हो वाइस कैप्टन के लिए। कैप्टन आपके लिए सबसे बेस्ट दोस्तों मुझे जहाँ तक लग रहा है वहाँ केन विलियमसन ही होने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा ड्रीम इलेवन टीम। बात करें जो अपने टीम की प्रीव्यू की, दोस्तों विकेट कीपर में टॉम लेथम, बैटिंग में दोस्तों केन विलियमसन, बाबर आजम, इमामुल हक, कॉलिन मंद्रो, ऑलराउंडर में दोस्तों इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़, बॉलिंग में दोस्तों ट्रेंट बोल्ट, शादाब खान, साइन अफरीदी और टीम सऊदी। तो दोस्तों ये रहा हमारा ड्रीम इलेवन टीम। यहाँ कैप्टन मैंने केन विलियमसन, वाइस कैप्टन मैंने बाबर आजम को पिक किया। दोस्तों अगर आपको टीम पसंद आया हो या फिर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।